तो और मेरे भाइयों कैसे हो रहा सब। देखो भाई यहाँ पे गाइस फाइनली तुम्हारे भाई को मिल चुका है फायर एक्स, वो भी पूरे फ्री में। मतलब मैंने एक भी यूसी एक भी पैसा खर्च नहीं किया और यहाँ पे अपना काला बिल्ला भी अपने को फ्री में मिला है। और दिखाता हूँ गाइस मेरे को क्या क्या मिला है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं गाइस अपने स्पिन की तरफ और यहाँ देख लो, यहाँ पे गाइस मैं दिखाता हूँ क्या क्या मिला अपने को। भाई चलते हैं अपने रिडीम सेक्शन की तरफ और यहाँ देख लो भाई मेरे को ये वाला आउटफिट मिला है, फायरो मिला है। और तुम लोग देखते जाओ भाई क्या क्या मिला है। मतलब मैंने एक भी यूसी नहीं लगाया लेकिन फिर भी इतना कुछ मेरे पास आ गया। और अभी तुम लोग पूछोगे कि भाई मेरे पास इतना कुछ आया तो आया कैसे, वो भी फ्री में। तो सिंपल सी बात है भाई, तुम्हारे भाई के पास है पारस का अकाउंट और इसने निकाला 30,000 यूसी लगा करके, लेकिन मैंने स्कैम कर दिया इसका आईडी का। और यहाँ पे अपने को हर एक सामान फोकट में मिल चुका है और आगे गए तुमको बहुत जल्दी इसका गेम प्ले भी देखने को मिलेगा। और तुम लोग ऐसे मेरे को कमेंट करके बताओ कि भाई तुम्हारा फेवरेट एक्स सूट कौन सा है। भाई देखो मेरा तो फेवरेट है भाई ब्लड ड्रेवन, भाई मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसका आईडी मैं यूज भी सिर्फ ब्लड ड्रेवन के लिए ही करता हूँ, मतलब जब भी मैं खेलता हूँ ना सिर्फ ब्लड ड्रेवन लगा करके ही खेलता हूँ। लेकिन देखो इसका आईडी में हो चुका है स्कैम, मतलब मेरे बहुत सारे दोस्तों को 5-6 हज़ार यूसी में एक्स सूट निकल गया था लेकिन इस नब्बे को 30,000 यूसी लगा लेकिन फिर भी इसका एक्स सूट निकला नहीं है, मतलब इसको रिडीम करना होगा। और फिलहाल के लिए यहाँ पे जो तुम लोग गेम प्ले देख रहे हो भाई ये है मेरा डुओ का गेम प्ले और फिलहाल मेरा रैंक चल रहा है अराउंड 15 के आसपास। और आज का मेरा टारगेट है कि भाई कम से कम मैं 7 या 8 रैंक तक जाऊँ और इसके लिए मेरे को भाई पूरा रात खेलना होगा। और तुम लोग गाइस देखो अगर तुम लोग का अभी तक कॉन्करर नहीं हुआ है ना, मैं एक ही बात बोलूँगा कि भाई रात के टाइम पे देखो मैं खेल रहा हूँ लेकिन तुम लोग मत खेलना भाई, क्योंकि मेरा एक बार तुम लोग जाके करियर रिजल्ट चेक कर लेना और भाई तुमको पता हो जाएगा मैं किस कारण से मना कर रहा हूँ रात में खेलने के लिए। कल गाइस पूरा रात हैकर मारा है, मतलब कल मैं टॉप 10 लगा दिया था लेकिन -74 खाया हूँ मैं और सीधा टॉप 15। फिलहाल के लिए यहाँ पे गए हम लोग एक टीम को फिनिश करते हैं। और हाँ देखो अभी तो फिलहाल मैं एक्सूट का गेम प्ले रिकॉर्ड नहीं किया हूँ फैरो वाला, लेकिन मैं आज रात में कर लूँगा तो तुमको भाई कल देखने को मिल जाएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे भाई लोग जोन बन चुका है लेकिन जोन के अंदर एक कंपाउंड नहीं है, एक सैक तक नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूरा जोन ओपन में है। और गाइस देखो अगर तुम्हारा जोन कभी भी ओपन बनता है तो भाई तुमको जल्दबाजी नहीं करना है जोन निकलने के लिए। फिलहाल के लिए यहाँ पे गाइस हम लोग अभी भी वेट कर रहे होते हैं और मैं गाइस यहाँ पे काफ़ी टाइम तक वेट करूँगा। मतलब यहाँ पे गाइस देखो मेरे सामने एक बंदा है रिज के पीछे, मैं वेट कर रहा हूँ बंदा ओपन में आएगा इसको मैं मारूंगा, लेकिन बंदा हल्का सा ओपन में आता है फिर भाग जाता है। मतलब यहाँ पे गाइस मैं इतना टाइम तक वेट किया कि भाई बंदा ओपन में आएगा मेरे को फ्री का एक किल मिलेगा, लेकिन किल मेरे को यहाँ पे नहीं मिलता है। और उसी टाइम पे मेरे को भाई लेफ्ट में एक और बंदा स्पॉट होगा लेकिन यहाँ पे गाइस मेरे को किसी भी बंदे का किल नहीं मिलने वाला है। मतलब मैं ट्राई तो करूँगा मारने का, देखो बंदा गाइस मेरे को स्पॉट हो चुका है, बंदा रिज के पीछे है, मैं ट्राई करूँगा लेकिन भाई बंदे को एक भी बुलेट नहीं पड़ा। मतलब बंदा रिज के पीछे था, मेरा हर बुलेट रिज पे लगा, लेकिन गाइस देखो अभी फिलहाल टाइम था फटाफट जोन के अंदर निकलने का। तो यहाँ पे गाइस मैं सीधा बगी लेके जा रहा होता हूँ और तुम लोग यहाँ पे सीन देखो, यहाँ पे गाइस मैं जैसे जोन के अंदर पहुँचूंगा मैं अपने टीममेट को कॉल देता हूँ कि भाई जोन का एज पे कोई पत्थर ढूंढो और वहाँ पे होल्ड कर लो। लेकिन मेरा टीममेट इतना ज़्यादा प्रो है वो जोन में जाके कोई पत्थर नहीं ढूंढेगा, वो भाई ओपन में खड़ा होकर बंदे मारने का ट्राई करेगा। देखते जाओ यहाँ पे, मैं गाइस यहाँ पे ड्रॉप लौटाऊँ सीधा व्हीकल में बैठूंगा और मेरा टीममेट गाइस देखो जोन के अंदर पहुँचा भी नहीं है, ओपन में खड़ा हो गया, देख रहे हो। मतलब किस्मत तो है भाई, यहाँ पे देखो मेरा टीममेट को मैं बोला कि भाई तेरे को पड़ेगा बुलेट और यहाँ देखो अभी जो इसको पढ़ना स्टार्ट हुआ तब जाके ये जोन के अंदर जाने का ट्राई करेगा। और गाइस देखो मेरे टीममेट को जो बंदा मार रहा होता है ना वो मेरे को यहाँ पे स्पॉट होगा, बंदा गाइस बगी के पीछे है, मैं वेट कर रहा हूँ बंदा ओपन में आया। अब एक बंदे को मैंने यहाँ पे नॉक कर दिया और जो बंदा को मैं नॉक किया हूँ वो बंदा है पत्थर के पीछे। अब ये बंदा पत्थर के पीछे वाला चिल्ला रहा होगा भाई मैं कवर में हूँ फटाफट आके मेरे को रैप कर दो, और यहाँ पे मैं वेट कर रहा होता हूँ इसका दूसरा बंदा ओपन में आएगा इसको रिवाइव करने के लिए बिना स्मोक किए। और ये गलती भाई तुम लोग कभी भी मत करना बिना स्मोक किए अपने टीममेट को रिवाइव करने जाने का। तो तुम लोग यहाँ पे सीन देखो, अभी तक मैं यहाँ पे बस वेट ही कर रहा हूँ, बंदा गाइस आया ओपन में रिवाइव करने, लेकिन यहाँ पे गाइस हम लोग इस वाली टीम को भी आराम से फिनिश करते हैं और सीधा गाइस हम लोग निकलेंगे उसी वाली टीम के जगह पे जहाँ पे हम लोगों ने अभी अभी एक टीम को फिनिश किया है। लेकिन देखो भाई यहाँ पे अभी तक कोई कंपाउंड नहीं है जोन के अंदर, मतलब यहाँ पे गाइस हर बंदा सांप बन के लेट रखा है। और जब गाइस तुम्हारे मैच में ऐसा कोई जोन बनेगा ना जहाँ पे कोई कंपाउंड ना हो तो तुमको भी सांप बन के खेलना होगा। लेकिन सांप बन के खेलने में बस एक गलती मत करना,
और वो गलती है अपना आउटफिट, अपना बैकपैक को पहन के सांप बनना। मतलब अगर तुम लोग को सांप बन के खेलना पड़ रहा है ना, तो अपना हर एक आउटफिट को, अपना हर एक बैकपैक को ड्रॉप करना होगा। और गाइस साथ ही साथ तुम लोग अपना सेकेंडरी गन को भी ड्रॉप कर दिया करो, ताकि फिर तुमको कोई बंदा स्पॉट ना कर ले। लेकिन यहाँ पे मेरा टीममेट इतना ज़्यादा प्रो है, मैं इसको अभी मना किया हूँ कि भाई यहाँ से फायर मत करना। लेकिन मेरे टीममेट गाइस यहाँ से फायर किया, और अभी जो बंदा हाइट के एडवांटेज में है वो हम लोग को मारने का यहाँ पे ट्राई कर रहा है। और मैं इसको बोला हूँ कि भाई जब भी तू सांप बना कर अपना हर एक आउटफिट को ड्रॉप कर दिया कर। लेकिन भाई ये इतना प्रो है, बात तो भाई कभी भी नहीं सुनता है। और यहाँ पे गाइस देखो मैं पीछे अपना स्मोक करूँगा, और यहाँ पे गाइस हम लोग अभी भी वेट कर रहे होते हैं जून बनने का, कि भाई जून बनेगा तो कहाँ पे बनेगा। और यहाँ देख लो भाई जून हम लोगों के ऊपर बना है। और भाई यहाँ पे गाइस देखो मैं अपना हर एक सामान को ड्रॉप कर चुका हूँ, मेरे पास कोई भी बैकपैक भी नहीं है। और यहाँ पे गाइस हम लोग अभी भी वेट कर रहे होते हैं वापस से जून बनने का, कि भाई फिर से एक बार जून कहाँ पे बनेगा। और देखो मैं गाइस को इतना टाइम से बता रहा हूँ ना, कि कभी भी डेथ जोन मेरे ऊपर नहीं बनता है, चाहे कुछ भी हो जाए। स्टार्टिंग से लेके एंड तक जून बन जाएगा, लेकिन जब सबसे ज़्यादा जरूरत रहेगा जोन का, उस टाइम पे जोन मेरे को धोखा देगा ही देगा। और यहाँ पे गाइस मेरे को जोन धोखा देने वाला है। लेकिन यहाँ पे देखो हम लोग गाइस इस वाले मैच में इजी चिकन निकालते हैं। मतलब यहाँ पे 2v2v1 का फाइट है। एक बंदे को अभी अपोनेंट मेरा फिनिश करेगा, बस देखते जाओ। यहाँ पे वेट कर रहा होता हूँ मैं कि भाई मेरे पीछे तो कोई बंदा ना आ जाए, और उसी टाइम पे एक बंदा यहाँ पे फिनिश हुआ। फिलहाल 2v2 का फाइट है। लेकिन मेरा टीममेट यहाँ पे गाइस इतना प्रो है ना भाई, अपना कोई भी सामान को उसने ड्रॉप नहीं किया अभी तक, और सीधा जोन के अंदर जाने लग गया। और यहाँ बस तुम लोग देखते जाओ, मैं गाइस यहाँ पे आराम आराम से जोन के अंदर स्निकिंग करने का ट्राई कर रहा हूँ। मतलब कोई बंदा मेरे को बस स्पॉट ना कर ले, आराम से जाऊँगा मैं। लेकिन मेरा टीममेट भाई मैं क्या ही बोलूँ इसको, ये मस्त जा रहा है ओपन में बैकपैक लेके। और तुम्हारा बैकपैक गाइस आराम से स्पॉट हो जाएगा अगर तुम लोग कभी भी लेट करके जोन के अंदर जा रहे हो। यहाँ पे गाइस मेरा टीममेट नॉक हुआ, फिनिश हुआ। फिलहाल 2v1 का फाइट है। और तुम लोग देख लो भाई यहाँ पे देखो मेरे सामने एक बंदा है, लेकिन इसको भाई मैं यहाँ पे गन से नॉक नहीं कर सकता। मैं देखो यहाँ पे मैं ओपन में गन से इसको नॉक नहीं कर पाऊंगा, तो मैं यहाँ पे एक नेट को करता हूँ, सीधा फेंकूंगा भाई नेट बंदे का मुंह पे। बंदा यहाँ पे नॉक हुआ, और यहाँ पे गए हम लोग इस वाले बंदे को आराम से फिनिश भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे गए सीन को चाहता है, अभी फिलहाल 1v1 का फाइट है। दूसरा बंदा जोन के अंदर है, और उस वाले बंदे के पास थोड़ा सा हाइट का एडवांटेज है। तो यहाँ पे देख लो क्या हम लोग का चिकन निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा। बाकी तो गाइस यही था आज का गेम प्ले। और तो गाइस अगर तुम लोग अपना आज वाला गेम प्ले अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अपने कल एक्सशूट वाले गेम प्ले में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट, बाय गाइस, बाय बाय।